अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल को क्लिक किया, उस वीडियो को देख रहे हैं, तो आई एम श्योर आप मॉरिशस का ट्रैवल प्लान करना चाह रहे होंगे। आप एकदम करेक्ट जगह पे आए, क्योंकि इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करूँगा वो सारी की सारी जानकारियाँ जिनको फॉलो करके आप अपना मॉरिशस का अगला आने वाला ट्रिप अच्छे से प्लान कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है सौरभ और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल वॉन्डरिंग मॉन्क पे। मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में मॉरिशस का एक ट्रिप किया था, एक वीक का। तो इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, जैसे कि आपको मॉरिशस कब जाना चाहिए, कितने दिनों के लिए जाना चाहिए, किन एरियाज़ में रुक के आपको मॉरिशस को एक्सप्लोर करना चाहिए, मॉरिशस आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन सी फ़्लाइट्स हैं जिनके थ्रू आप यहाँ से मॉरिशस जा सकते हैं, वहाँ पर सिम कार्ड कौन सा आपको लेना चाहिए, करेंसी कौन सी चलती है, क्या यहाँ से आपको कैश लेके जाना चाहिए या ATM से विड्रॉ करना चाहिए। इन सारी जानकारी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 7 दिनों की कौन सी आइटनरी है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। 2 लोग अगर एक हफ्ते का ट्रिप करते हैं मॉरिशस का, तो टोटल आपको कितना बजट रखना चाहिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको किस टाइम पर मॉरिशस जाना चाहिए। एक्चुअली मॉरिशस का वेदर इंडिया के वेदर से जस्ट अपोजिट है, क्योंकि हम लोग अगर ग्लोब देखेंगे तो हम लोग जो इक्वेटर के ऊपर यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं और मॉरिशस है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जो वेदर है इंडिया का उसके जस्ट अपोजिट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। जैसे यहाँ पे अगर सर्दियाँ हैं दिसंबर जनवरी फरवरी, उस समय पे मॉरिशस में समर हो रहा होता है, और जब यहाँ पे समर होगा तो वहाँ पे विंटर यानी कि अप्रैल मई जून में। वैसे तो मॉरिशस में आप कभी भी जा सकते हैं, पर बेस्ट मंथ्स की बात की जाए तो वो है अप्रैल से जून के बीच में या फिर अगस्त से दिसंबर के बीच में। जन फेब मार्च में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है और आपके प्लान में काफ़ी ज़्यादा खलल पड़ सकती है। कौन सा बेस्ट वेदर है, उसके बाद हम लोग बात करें कितने दिन में मॉरिशस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मेरा आंसर होगा कम से कम आपको 5 दिन रखने चाहिए मॉरिशस को ढंग से एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आपके पास एक हफ्ता है 5 दिन की जगह, तो आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। मैंने हालांकि ये ट्रिप एक हफ्ते का किया था और जो आइटनरी भी बता रहा हूँ वो भी एक हफ्ते की होगी। कितने दिनों के बाद हम लोग बात करते हैं कि कैसे पहुँच सकते हैं इंडिया से मॉरिशस। अभी आज की तारीख में देखा जाए तो मुंबई से विस्तारा ने कुछ फ़्लाइट शुरू की हैं। इससे पहले एयर मॉरिशस की फ़्लाइट्स थी, मुंबई से डायरेक्टली मॉरिशस लेके जाती थी। वाया फ़्लाइट्स आपको मिल सकती हैं। मुंबई से अगर आप जा रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं किसी और कोने से, तो वाया दुबई जा सकते हैं या वाया मुंबई जा सकते हैं। बीच में एयर मॉरिशस का प्लान था दिल्ली से वापस से रीस्टार्ट करने का मॉरिशस के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स। कॉस्ट की बात की जाए फ़्लाइट्स की, तो फ़्लाइट रफली 50,000 के रेंज में आपको मिलेंगे, 50 से 55,000 के रेंज में इंडिया से मॉरिशस के, यानी कि मैं मुंबई मॉरिशस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर आप फ़्लाइट्स में थोड़े से पैसे बचाना चाहते हैं तो यहाँ पे विएटजेट, एयर एशिया टाइप की एयरलाइंस इस वाले सेक्टर में नहीं चलती है, तो आपको दूसरा तरीका लगाना पड़ता है। एयर सेशल्स की कुछ फ़्लाइट है जो कि वाया सेशल चलती है मुंबई से मॉरिशस के बीच में, जिसमें आपको 40 से 45,000 के बीच में भी कभी कभी टिकट्स मिल जाते हैं। उसका तरीका होता है जाने का कि कब मिल रहा है। गूगल फ्लाइट में एक ट्रैक प्राइसेज का ऑप्शन है, उसको ऑन रखिए, आपके ईमेल पे अलर्ट्स आ जाएंगे। जब भी प्राइसेज आपके मन मुताबिक हो उस समय आप टिकट बुक कर सकते हैं। एयर सेशल्स से करने का एक फ़ायदा ये भी है कि एक छोटा सा ट्रिप 3-4 दिनों का आप सेशल्स का भी प्लान कर सकते हैं विथ मॉरिशस। फ़्लाइट के बाद आपको जानकारी चाहिए होगी कि आपको वीज़ा कैसे मिलेगा। मॉरिशस बहुत ही सिंपल है इन टर्म्स ऑफ वीज़ा, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है इंडियंस को। इनफैक्ट काफ़ी सारी नेशनैलिटीज़ को वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, इंडियंस को भी वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, वो भी फ्री। कोविड के आने के बाद से जब से मॉरिशस ने अपने यहाँ ट्रैवल ओपन किया, टूरिज़म ओपन किया, एक ऑल इन वन फॉर्म करके एक ऑप्शन है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, उसको फिल करना होता है। उसके प्रिंटआउट को अपने साथ कैरी कीजिए जब भी आप इमिग्रेशन को क्रॉस करेंगे मॉरिशस में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की। ट्रैवल इंश्योरेंस किसी भी डेस्टिनेशन पे जरूरी हो या ना हो, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट ने मैंडेट किया हो ना किया हो, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाइए। बहुत ही छोटा सा खर्चा है, 500-700 रुपये पर हेड टाइप का खर्चा होता है और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है मुसीबत के समय। किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए खाना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी ट्रैवल का। मैं हमेशा ही लोगों को सजेस्ट करता हूँ अगर आप प्योर वेजिटेरियन तो अपने साथ कुछ पैकेट्स कैरी कीजिए। पर मॉरिशस एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली वेज खाना खोजने के लिए। स्ट्रीट फूड्स भी आपको बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी सारे हैं, थोड़े प्राइसी ज़रूर हैं, कुछ जगह पर तो काफ़ी प्राइसी हैं, पर स्ट्रीट फूड में आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप नॉनवेज खाने वाले हैं तो कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। प्राइसेज इन जनरल अदर फूड के, रिजॉर्ट्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं, तो खाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा मॉरिशस में। मॉरिशस में एक बार आपको एंट्री मिल गई, उसके बाद आपको जानकारी चाहिए होगी कि वहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है। वहाँ पे चलती है मॉरिशियन रुपया। करंट जो रेट है आज की रेट में वो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लगभग ₹1.80, ₹1.90 का रेट चलता है वीज़ा वी इंडियन करेंसी। विड्रॉ करने के लिए आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड अगर आपने एक्टिवेट करा रखा है, या जो मैं नियो का डेबिट कार्ड यूज़ करता हूँ, नियो का DCB वाला इंटरनेशनल जो डेबिट कार्ड है वो मैं यूज़ करता हूँ। उसमें कोई मार्कअप चार्ज नहीं लगता है फॉरेक्स का, या फिर विड्रॉल चार्जेस जो लगते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नियो ने एक और टाई अप किया था SME के साथ, वो उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अगर आप नियो कार्ड यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास DCB का है तो बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास DCB का नहीं है तो नियो का DCB कार्ड ले सकते हैं। कैश एक्सचेंज करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा $डॉलर अपने साथ कैरी कीजिए, उसको एक्सचेंज कीजिए वहाँ पे, रादर देन INR के। INR के रेट्स बहुत ग्रेट नहीं है, आपके $डॉलर के जो रेट्स हैं मॉरिशियन करेंसी के लिए ज़्यादा बेटर होंगे। करेंसी के बाद अगर हम लोग बात करें कि सिम कार्ड आपको कौन सा लेना चाहिए, वैसे तो आप इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करा सकते हैं जियो एयरटेल की, लेकिन वो काफ़ी महंगी पड़ती है। मेरे ख्याल से 3-3,500 खर्चा है 10 दिन होगा, तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैंने सिम कार्ड लिया था वहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर निकल के एक एमटेल का कियोस्क है, उसको प्री बुक भी कर सकते हैं, पर प्री बुक जो ऑप्शन मैंने देखा तो वो 750 MUR यानी कि 750 MUR को अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ 1400-1500 होता है। मैंने वहाँ पे ख़रीदा तो वो मुझे पड़ता है लगभग 900 से 1000 रुपये इंडियन करेंसी के बीच में, जिसमें मुझे पूरे ट्रिप के लिए कुछ कितना 4-5 GB का डेटा था जो सफिशेंट था, क्योंकि हर जगह आपको वाईफाई मिल जाता है। एयरपोर्ट के अंदर भी कुछ कियोस्क हैं, वहाँ पे रेट्स थोड़े से ज़्यादा है। एयरपोर्ट के जस्ट बाहर पार्किंग के आसपास में आपको एक एमटेल के कियोस्क मिल जाएगा, वहाँ से आप सिम कार्ड खरीद सकते हैं। मॉरिशस एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा था वो मैंने पिक किया था कार रेंटल का। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया कि आपको रेंट क्यों करना चाहिए कार मॉरिशस एक्सप्लोर करने के लिए, उसका लिंक स्क्रीन के कॉर्नर पर और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो चेक कीजिएगा। कार रेंटल के अलावा दूसरा ऑप्शन है टू व्हीलर रेंट करके भी आप देख सकते हैं, पर डिस्टेंसेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत कंफर्टेबल नहीं दिन भर में 50-60 किलोमीटर टू व्हीलर चलाने के लिए, तो आप टू व्हीलर मत लीजिएगा। अगर आपको छोटी डिस्टेंसेज में एक्सप्लोर करना, मॉरिशस एक जगह पर रह के दिन भर में 20-30 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है, तो आप टू व्हीलर भी आराम से ले सकते हैं। उसका जो रेंटल प्राइस है वो लगभग इंडियन करेंसी में 800 से 1000 रुपये के बीच में आपको आराम से टू व्हीलर मिल जाएगी एक दिन के लिए। कार के लिए आपको खर्चा करना होता है लगभग 2000 रुपये। टू व्हीलर 4 व्हीलर के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है और बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस को कवर नहीं करता है। अगर आप ड्राइविंग के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है फॉरेन कंट्रीज़ में जाके, तो आप टैक्सीज अरेंज कर सकते हैं। आपको दिन भर की टैक्सी के लगभग 5000, 6000, 7000 रुपये के आसपास अलग अलग एजेंसी में अलग अलग रेट्स हैं। आप लोगों को वीडियो अगर अभी तक अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। मॉरिशस एक छोटा सा आइलैंड है, मतलब आइलैंड के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 80-90 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ होगा और कुछ 60-70 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट होगा। तो वैसे देखा जाए बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन के हिसाब से और डेली कम्यूट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा तो है कि एक जगह पर रुक के आप पूरे के पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। मैंने 3 एरियाज़ में बेस बनाए थे। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि 2 या 3 एरियाज़ में आप बेस बनाइए, उसके हिसाब से आप मॉरिशस आइलैंड को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, डेली कम्यूट जिससे आपका काफ़ी कम हो जाएगा। अभी आपको आपके स्क्रीन पे मैप दिख रहा होगा मॉरिशस का, जो साउथ वेस्ट का एरिया है, ब्लूबे वाला है, माहेबर्ग वाला, आप उस वाले एरिया में रुक के जब आप एयरपोर्ट से उतरेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा उस साइड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद आप मूव कर सकते हैं साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट में जाएंगे। साउथ वेस्ट में रुकना फ़ायदेमंद इस तरीके से है क्योंकि काफ़ी सारे अट्रैक्शंस वहाँ से आसानी से कवर हो जाते हैं। साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सीधे नॉर्थ में चले जाइए। नॉर्थ से आप सेंट्रल वाला हिस्सा या पोर्ट लुइस वाला हिस्सा भी आराम से कवर कर सकते हैं। आधा दिन स्प्लिट कीजिए, आधा दिन आप साउथ में रुकिए, चाहे साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, और जो आपके स्टेज के डेज हैं आधे दिन आप नॉर्थ में रुकिए। और अगर आप होटल्स की बात कीजिए, एकोमोडेशन की बात करें तो एकोमोडेशंस आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं मॉरिशस। अगर आपको डिसेंट बजट होटल चाहिए तो 2000 के अंदर अंदर आपको पर नाइट में एक कपल के लिए मिल जाता है। बहुत ग्रेट एमिनिटीज़ नहीं रहेंगी, पर हाँ मिड रेंज और बजट होटल में क्या डिफरेंस होता है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको देख लीजिएगा। और जो भी होटल, जो भी एकोमोडेशन मैंने चूज़ किए थे, जहाँ भी मैं रुका था, उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफकोर्स मिल ही जाएंगे। वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के एकोमोडेशन से क्या प्राइसेज हैं आपके ट्रैवल रेट्स के हिसाब से। तो अगर आप लग्जरी ट्रिप पे जा रहे हैं तो लग्जरी ट्रिप के हिसाब से आपको बहुत सारे लग्जरी रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। लग्जरी रिजॉर्ट्स विथ हाफ बोर्ड यानी कि ब्रेकफास्ट डिनर या ब्रेकफास्ट लंच के प्राइसेज भी आपको काफ़ी रीजनेबल से मिल जाते हैं। मालदीव्स टाइप का आपको महंगा नहीं मिलेगा, आपको 20 से 25 हज़ार पर नाइट पे हाफ बोर्ड एक ढंग के लग्जरी रिजॉर्ट, 5 स्टार लग्जरी रिजॉर्ट्स में आपको एकोमोडेशन मिल सकता है अगर आप थोड़ी रिसर्च करेंगे तो। ये बात, ये सारी की सारी जो डिटेल्स मैंने आपसे शेयर की, इसके बाद मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ मेरी आइटनरी, जो आइटनरी मैंने फॉलो की थी 7 दिनों के लिए। आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर हम डे 1 की बात करें, डे 1 अगर आप सुबह सुबह लैंड करें तो थोड़ा सा आप होटल में जाइए, फ्रेश होइए, रेस्ट कीजिए। साउथ में कुछ बीचेज़ हैं, कुछ वाटरफॉल्स हैं, डे 1 को उसको एक्सप्लोर कीजिए। रात को आराम से डिनर कीजिए, सो जाइए आराम से। सुबह उठिए, सुबह सुबह एक स्पीड बोट या कैटामरन टूर होता है। साउथ में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड से एक छोटा सा ट्रिप होता है जिसमें ड्रिंक्स, फूड सब कुछ इंक्लूडेड होता है। ब्लूबे एरिया से ही वो शुरू होता है, तो वो आप दिन भर का ट्रिप ले सकते हैं। सेकेंड डे पे आप, और डे 3 पे आप निकलिए और साउथ मॉरिशस में बहुत ही सुंदर सा गंगा तालाब करके एरिया, उस एरिया को एक्सप्लोर कीजिए। फिर एक चैमरेल करके एक एरिया में वाटरफॉल है, 7 कलर्ड अर्थ है जो कि वॉल्केनिक इरप्शन से बना था, वो सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर कीजिए। फिर आप ये कवर करते करते साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट में पहुँच जाएंगे। साउथ वेस्ट में कुछ बीचेज़ हैं, लामोर्न करके, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है और बजट है तो वहाँ पे लामोर्न के पास में एक अंडर वाटर वाटरफॉल है, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सी प्लेन टूर होता है। डे 3 आप इस तरह से इसको क्लोज़ कर सकते हैं आराम से। डे 3 को रेस्ट कीजिए। आप साउथ वेस्ट में अपना डेरा जमा के रखिए जैसा मैंने पहले सजेस्ट किया था। डे 4 में एक बहुत ही फेमस एडवेंचर एंड नेचर पार्क है कसेला नाम से, जो बड़े बड़े जाइंट टॉर्टोइजेस के, अपने फ़ोटोज़ देखेंगे वो सारे टॉर्टोइजेस, बहुत बड़ा सा ओपन एयर जू कह सकते हैं, बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो 4था जो दिन है आप वहाँ पे डेडिकेट कर सकते हैं। साथ ही फ्लिक एंड फ्लैक का एरिया उस कसेला नेचर पार्क के काफ़ी नज़दीक है, तो उस एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बीचेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी ईटरीज है उसको देख सकते हैं। डे 5 में आप चाहें तो नॉर्थ मॉरिशस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। रास्ते में पोर्ट लुइस जो कैपिटल सिटी है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। 5वें दिन कुछ एरिया, कुछ बीचेस हैं नॉर्थ मॉरिशस को, उसको देख के आप आराम से नॉर्थ मॉरिशस के एकोमोडेशन में शिफ्ट हो चुके हैं, वहाँ पे आराम कीजिए। 6वें दिन पे आप पूरा दिन डेडिकेट कर सकते हैं। नॉर्थ मॉरिशस में कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनका एक कैटामरन क्रूज़ होता है, जो मैंने किया था। वो क्रूज़ आप दिन भर कर सकते हैं, पूरा दिन निकल जाता है। सुबह सुबह आप निकलते हैं 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास, तो शाम को 5-6 बजे के आसपास पहुँचते हैं अपने होटल में। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है 6वें दिन में करने के लिए। और 7वें दिन पे नॉर्थ मॉरिशस के बहुत ही ज़्यादा सीनिक और सुंदर बीचेज़ हैं जो इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। 8वें दिन आप फ़्लाइट लेके वापस इंडिया आ सकते हैं। सबसे आखिरी जो चैप्टर है इस पूरे वीडियो का वो है बजट। अगर बजट की बात की जाए तो मैं हमेशा ही बताता हूँ एक कपल के लिए बजट, यानी कि एक आदमी पर हेड पे बजट नहीं, क्योंकि बहुत जगह पे कॉस्ट आप शेयर कर सकते हैं, एकोमोडेशन जैसे या ट्रांसपोर्ट जैसे। तो इसलिए मैं बजट की बात कर रहा हूँ एक कपल के लिए। सबसे पहले बजट में आएगा टू एंड फ्रो फ्लाइट्स। ऑन एन एवरेज मैं 50,000 पकड़ के चल रहा हूँ, तो 2 लोगों का जो कॉस्ट होगा टू एंड फ्रो फ्लाइट्स का वो 1 लाख रुपए का होगा। नेक्स्ट खर्चा होता है वीज़ा का। वीज़ा का कोई खर्चा यहाँ है नहीं, 0। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने बताया था, ट्रैवल इंश्योरेंस आप 1,000 रुपये के आसपास पकड़ लीजिए, उससे ज़्यादा का आपका ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं होगा। उसके बाद जो बड़ा खर्चा होता है वो होता है एकोमोडेशन का। अगर आप ढंग के होटल में रह रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बजट की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो फिर तो भी आपको 5,000 के एवरेज में एयरबीएनबी, बुकिंग, एकोडा, ये सब पे अगर आप रिसर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो 5 रातों के लिए जो एकोमोडेशन का खर्चा होने वाला है वो होगा लगभग 35,000 रुपये, 35,000 रुपीज़। इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम मैंने चुना है वो है कार रेंटल। कार रेंटल लगभग आपको 15 से 20,000 रुपये के बीच में 7 दिनों के लिए आराम से मिल जाता है। मैं 20,000 मान के चल रहा हूँ, 20,000 कार रेंटल का होगा। लगभग 5,000 रुपये के आसपास आपका उस कार में फ्यूल लगेगा। तो कार रेंटल प्लस अगर फ्यूल पकड़ के चला जाए तो 25,000 रुपये बनता है। खाना लगभग आप 3,000 रुपये मान के चलिए, अगर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है आपके एकोमोडेशन में, तो 3,000 रुपये में आप आराम से 2 लोग 2 टाइम खाना खा लेंगे ऑन एन एवरेज। तो 3,000 × 7 लगभग 21,000 रुपये के आसपास आपका खाने का खर्चा होने वाला है। सिम कार्ड का आपका खर्चा होगा लगभग, जो मैंने शुरू में बताया था, लगभग 1,000 रुपये के आसपास। अगर एक सिम ले रहे हैं, 2 सिम ले रहे हैं, तो 2,000 के आसपास। हाँ, अट्रैक्शंस एंड एक्टिविटीज़ में जो मैंने क्रूजेज़ बताए, दोनों साउथ में और नॉर्थ के जो मैंने क्रूजेज़ बताए या कसेला नेचर पार्क बताया, 15 से 20,000 के बीच में आपका अट्रैक्शंस एंड एक्टिविटीज़ के ऊपर खर्चा होने वाला है। अगर आप उसमें ऐड ऑन करना चाहें तो वो आपके ऊपर है, शॉपिंग आपके ऊपर है। तो इस तरह से इन सारे के सारे खर्चों को अगर जोड़ा जाए तो टोटल जो बजट बनेगा 2 लाख के आसपास बनेगा। 2 लाख में 7 दिनों का आप अच्छे से ट्रिप करके मॉरिशस का वापस इंडिया आ सकते हैं। कॉस्टली ज़रूर है क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की तरह सस्ता नहीं है, पर जो मैंने बजट बताया, जो आइटनरी बताई, अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। कहीं आपको लगता है कि मैंने ज़्यादा बजट बताया तो कम रख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ सारे बजट में कि हायर एंड पे बताओ, ताकि अगर आपका कुछ पैसे बचे तो आपको खुशी हो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। मॉरिशस का पूरा प्लेलिस्ट चेक ज़रूर कीजिएगा। आई एम श्योर आपको वो प्लेलिस्ट देख के भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो जल्दी आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।